नमस्कार इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम मुश्किलें बढ़ गई हैं तेजस्वी यादव की क्यों क्योंकि ऑलरेडी उन पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है सीबीआई तीन मर्तबा तीन बार उनको समन कर चुकी है लेकिन तीनों ही बार वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए और इसीलिए वो हाईकोर्ट भी गए थे कि भाई सीबीआई मुझे बार बार समन कर रही है आप सीबीआई के समन को रद्द कर दीजिए लेकिन दिल्ली कोर्ट ने इस समन को रद्द करने से साफ इंकार कर दिया है यानी कि यह बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि अब अगली बार तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होना ही होगा और यह तारीख है 25 मार्च और 25 मार्च को सीबीआई क्या करेगी 25 मार्च को सीबीआई पूछताछ करेगी तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब्स के मामले में यानी कि इसको अगर हिंदी में समझें तो नौकरी के बदले ज़मीन देने का मामला है रेलवे से जुड़ा हुआ ये मामला है रेलवे में नियुक्तियां दी गई और उसके बदले घूस के तौर पर ब्राइब के तौर पर ज़मीन ली गई ताकि पकड़े ना जा सकें ऐसा आरोप है इस आरोप में लालू यादव का भी इसमें नाम है उनकी बेटी मीसा भारती का नाम है उनकी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का इसमें नाम है तेजस्वी यादव से इस मामले में पूछताछ होनी है कुल मिलाकर 16 लोग हैं जिनको सीबीआई ने आरोपी बनाया है और सीबीआई इस केस में इन सब लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है हालांकि लालू यादव को इस पर राहत मिली है अभी मीसा भारती को राहत मिली है राबड़ी देवी को राहत मिली है ये तीनों को कल ही दिल्ली की कोर्ट से ज़मानत मिल गई है कि फिलहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन तेजस्वी यादव जो अभी तक बार बार पूछताछ से बच रहे थे वो अब पूछताछ से नहीं पाएंगे क्योंकि आ, अपना जो समन है उसको रद्द कराने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट गए थे लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि समन रद्द नहीं होगा यानी कि 25 मार्च को पूछताछ की जाएगी तेजस्वी यादव से इससे पहले तीन बार अलग अलग टाइम पे कॉल किया गया था उनको एक बार चार तारीख को कॉल किया गया ग्यारह तारीख को कॉल किया गया लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई मेरी पत्नी जो है राजश्री यादव उनकी तबियत खराब नहीं उनकी तबियत खराब है उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे आपको यह बता दूं कि इस सिलसिले में पिछले दिनों लगातार कार्रवाई हुई है सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है तेजस्वी यादव का जो दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में आवास है उसमें भी सीबीआई की टीम पहुंची थी इसके अलावा बिहार में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी जो आरजेडी के एक पूर्व एमएलसी हैं उनके उनके घर पर भी, उनके पर भी ठिकाने भी सीबीआई की टीम पहुंची थी वहां पर भी कुछ दस्तावेज जब्त किए थे सी सीबीआई का मानना है कि जो नौकरी देने के बदले जो लैंड ली गई थी उसमें इन सब लोगों की मिली है और इसीलिए इस केस में इन सबसे पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है इसी कड़ी में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी थी लेकिन अब तक पूछताछ से बचते आए हैं तेजस्वी यादव लेकिन फिलहाल आगे अभी बच नहीं पाएंगे और यह तय हो गया है कि 25 तारीख को तेजस्वी यादव से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी हालांकि चूंकि कोर्ट में याचिका लगाई गई थी तो कोर्ट में सीबीआई ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि वह अभी इस वाली पूछताछ में यानी कि जो 25 मार्च को अब सीबीआई की टीम तेजस्वी यादव से क्वेश्चनिंग करेगी उसमें तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम इस महीने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इतनी राहत जरूर है तेजस्वी यादव के लिए कि 25 मार्च को वो जब पूछताछ के लिए जाएंगे तो उनके मन में कम से कम ये डर रही होगा कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी लेकिन एक लंबी फेरिस्त है सीबीआई के क्वेश्चंस की सवालों की और इन सवालों का जवाब अब तेजस्वी यादव को देना ही होगा